मैं दीपक अग्रणी माहेश्वरी आपका मेरे और आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम आप बहुत कुछ करते हैं और आज अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो ना दोस्तों तो प्लीज जुड़ जाइए और वहाँ रुकने की अपनी कैपेसिटी बनाइए। मार्केट में दो चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, पैशन विल गिव रिटर्न और ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो दोस्तों हम जिस ट्रेंड के हिसाब से काम करते हैं और उसके हिसाब से आपको सजेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जैसे आज हमने जस्ट डायल दिया 8 रुपये ऊपर, हमने आपको बजाज फिनसर्व दिया सारे टारगेट हिट, हमने आपको क्रूड दिया 50 रुपये का, 50 रुपये के आसपास 45 रुपीज़ का प्रॉफिट, और भी बहुत सारे कॉल है जो कि हम वहाँ देते हैं। तो क्या लगता है आपको कि भाई आपको हमारे साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि भाई देखो, अगर आपके दिमाग में एक थॉट ऑफ प्रोसेस है कि अगर आप चाहते हैं कि फ्री में मिल जाए सब कुछ, तो ऐसा होता नहीं। क्योंकि मैंने सिंपल एक थॉट प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि इवन कभी आप बिस्लरी का पानी भी बाजार में खरीदने जाएंगे तो उसके लिए पैसा देना पड़ता है, और इवन लोगों को उसके बहुत सारे शॉपकीपर्स इवन कोल्ड ड्रिंक को या फिर वाटर बॉटल को ठंडा करने का चार्जेस लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप पानी खरीद के पी सकते हैं तो फिर आपको किसी को सहयोग देने में या फिर उसकी सेवाएं लेने के लिए आप उसके साथ अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो नॉट इश्यू, मैं वहां पर मैसेज करता हूं, वहां पर रुकेंगे, उस चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, किसी तरीके से लोगों को जोड़िए, ताकि क्या होगा कि लोगों का प्रॉफिट होगा। मुझे कुछ नहीं होता, मुझे तो आता है, मुझे पता है कि कितना किस लोगों को आता है। बहुत सारे लोग सो मेनी पर्सन आर टेलिंग मी वी आर प्रोफेशनल, आई नो हु इज प्रोफेशनल। प्रोफेशनलिज्म का धन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी के किसी से अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आप उसे रिटर्न करने की कोशिश करें, उसे प्रोफेशनलिज्म किया जाता है। अनप्रोफेशनलिज्म में ये होता है लेओ अपना घर भरो और चलते रहो, समझ गए, सिंपल और सुपर। चलिए अब अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको मेरे साथ अकाउंट ओपन करना है तो ये लिंक है अपस्टॉक की, डिस्क्रिप्शन में भी है, मेल आईडी मोबाइल नंबर सॉरी पासवर्ड और मोबाइल एंटर कीजिए और साइन अप कीजिए, यू विल कम इन अंडर माय रेफरल, ओके। देन अगर आप जरोदा में ओपन करना चाहते हैं तो एक और लिंक है, यहाँ पर जाइए, मोबाइल नंबर नाम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालिए, साइन अप कीजिए। बट अगर आप यहाँ पर साइन अप करते हो और पासवर्ड रिसेट मांगता है देन यू विल नेवर कम इन अंडर माय रेफरल, यू विल कम ऑन, अगर आपने किसी और के साथ पहले किया हो तो आप उसके साथ जाएंगे। इवन अपस्टॉक में भी ऐसा ही है, बट अपस्टॉक का मेरे पास एक तोड़ है, वो मैं आपके साथ करा सकता हूँ, उससे आपको कोई आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे। बट जरोदा में नहीं होता है, आपको नया मोबाइल नंबर मेल आईडी और यही देना होगा तभी हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या किया। देखो निफ्टी के जो ये सारे कल के लेवल्स देखे थे मैंने आपको कि 11475 के आसपास सेल कर देने का स्टॉप लॉस 11550, ये देखिए 11375, आप देखिए 11336, सब आ गए और से बाय का तो चांस ही नहीं बना क्योंकि ये तो खुला ही 11499 के और हाई वॉज 11404.95, तो सारे टारगेट्स हो गए। बैंक निफ्टी में यहाँ पर कुछ सेव होना रह गया लगता है, जो कल का वो निकल चुका है तो कोई बात नहीं, बट फिर भी अब अगर हम बात करेंगे तो सेल के ही कॉल्स हिट हुए होंगे, ना कि बाय का कॉल हिट हुआ होगा यहाँ पर। तो अभी देखिए चलिए अगर आप जाएं तो वेरीफाई करना हो तो लास्ट की वीडियो मेरी कल के देख लीजिएगा, उससे पता चल जाएगा। और हमने जो क्रूड का कॉल पोस्ट किया था ये देखिए कितना भाग रहा है, आप सिर्फ क्रूड को यहाँ पर वॉच करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि क्रूड क्या हो रहा है। इवन मैंने क्रूड का कॉल 5000 का कॉल दिया था 48 रुपीज़ पे, ये देखिए हाई 79, ऑलमोस्ट ऑल टारगेट हिट से। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको वहाँ पर मैसेज अपने व्हाट्सएप पे जरूर दूंगा, सॉरी टेलीग्राम में जरूर दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इवन कॉपर में भी हमने 421.80 रुपीज़ से 425 रुपीज़ बुक किया है अभी रिसेंट में। तो दोस्तों ये उन्हीं लोगों को मिल पाता है जो कि साथ देने की कोशिश करते, अदरवाइज जो मिलता है आप उसमें ले लीजिए, संतुष्ट हो जाइए, क्योंकि फ्री में खाना वो भी गर्म गर्म खाना तो नॉट पॉसिबल, बट आई विल हेल्प यू। और प्लीज़ आप टेलीग्राम पर जुड़िए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि क्रूड का कॉल था आपको वहाँ पर मिला होगा, आप चाहे तो उसको कर सकते थे और आप काम कर सकते थे। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई अब बैंक निफ्टी में क्या कर लें। देखियो बैंक निफ्टी का जो लेवल हो गया ना बॉस, अब आप बोलेंगे कि यार अब किस तरीके से घूमें, तो ये सारे सपोर्ट लेवल के आसपास हो गया, मतलब कहाँ चला था और कहाँ आ गया दोस्तों, मतलब ऐसा क्या हुआ, सिर्फ एक क्रूड ने खेल बिगाड़ दिया दोस्तों, इसका और कुछ भी नहीं हुआ। और अब क्रूड और डॉलर रुपी, आपने यूएसडी को देखा होगा कि इतना तेजी से शार्प मूवमेंट आ रहा है यूएसडी में, मतलब आप यूएसडी को गिरते हुए नहीं देख पा रहे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या कर सकते हैं। तो निफ्टी का जो आज का क्लोजिंग है, बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है बॉस आज का है वो 26930,
ठीक है। तो अगर हम उस 26,930 को अगर हम कोशिश करें कि हम किस तरीके से भुना पाएंगे, तो हम कल के लिए क्या कर सकते हैं, और कल ही है, बाकी परसों तो गणपति पप्पा मौर्य है, तो फिर वो गणपति पप्पा मौर्य की छुट्टी होगी और हम गणपति को लाएंगे, सब लोग लाएंगे उसकी पूजा करेंगे मुंबई में, तो इवन हर घर घर में पूजा करेंगे, और मुंबई में उसका उत्सव ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर आपका स्टॉक एक्सचेंज बंद रहेगा। तो आप चलिए कल की बात करते हैं कि अगर बैंक निफ्टी में अगर आपको क्या करना है। बैंक निफ्टी में गोस अगर आपको अगर मैं आपको बोलूं सीधे सीधी बात कि 26,950 के ऊपर अगर आपको मिलने की कोशिश करें, तो आपको जो टारगेट है वो 26,990 के लिए, देन 27,020 के लिए, और 27,060 और 27,100 के लिए आपको ट्राई करना है। उसके लिए आपको स्टॉप लॉस सीधे सीधे मैं बोलता हूँ आपको कि उसके लिए जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा वो 26,830 के आसपास का मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको इसको सेल करना है दोस्तों, सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या पता कल गणपति पप्पा परसों आवे और हम रिकवरी आज ही फेस कर जाएं, ठीक है। तो अगर आपको मैं सीधे सीधी बात बोलता हूँ कि 26,850 के नीचे अगर आपको सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी दोस्तों, तो आपको ज़रूर कोशिश करनी है कि आपको 26,810 के टारगेट 26,810 के टारगेट आए, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी टूटेगा, क्योंकि कल आपका वीकली एक्सपायरी भी है और हो सकता है उसमें बाउंस बैक आपको आता हुआ मिले, तो आपको 26,760 के आसपास के भाव के लिए आपको ट्राई करना है, और फिर 26,745 के जो स्टॉप लॉस होगा वो आपको अराउंड 26,970 के आसपास रखना है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कल के लिए, हम देखेंगे क्या हो सकता है। अगर हम अभी निफ्टी के कॉल्स की बात करें कि भाई निफ्टी में क्या हो सकता है, तो निफ्टी में हमें निफ्टी फ्यूचर्स को देखना है, येरा निफ्टी फ्यूचर्स, और ये निफ्टी फ्यूचर्स में अगर हम आ गए तो अब हम यहाँ पर अगर हम इसको क्लिक करते हैं, राइट क्लिक तो चला जाता है, देन अगेन हम यहाँ पर आते हैं इस तरीके से क्लिक करते हैं, और अब देखते हैं कि भाई मैंग निफ्टी में क्या हो सकता है। तो निफ्टी का जो क्लोजिंग है दोस्तों, वो फ्यूचर का आज का क्लोजिंग है अराउंड मतलब 11,331 के आसपास उसका क्लोजिंग है। तो दोस्तों अगर आपको निफ्टी बाय करना है, 11,455 के आसपास आपको बाय करना है, देन टारगेट वुड बी 11,375, 11,375, 11,390, 11,410, ठीक है। एसएल आपको जो स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है वो है 11,285 के अराउंड दोस्तों, 11,285, ठीक है। चलिए, और अगर आपको सेल करने को मिलेगा निफ्टी, देन यू नीड टू सेल 11,315 के यहाँ पर, और आपके जो टारगेट्स होंगे नीचे की साइड में वो होंगे 11,290, 11,265, 11,240, एंड आपको सेल मेंटेन करना पड़ेगा वही 11,390। ओके दोस्तों, स्टॉप लॉस ये एक और टारगेट आप नहीं मेरा जो कैलकुलेशन यस ओके 11,065, ठीक है। तो ये मैं जो है सेव करता हूँ और आप इसको देखिएगा, हो सकता है, बट ट्रेड करने से पहले ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिएगा, ताकि वो आपको वेल प्रिपेयर्ड करे और आपको वेल नोन होकर ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों। दोस्तों प्लीज़ अगर आपको टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है तो आप जुड़िए, वहाँ रहिए तो ही बेनिफिट हो जाएगा दोस्तों, ताकि आपको बहुत सी सारी सेवाएं वहाँ पर मिलती है जो आपको मिल सकेगी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो की लिंक ज़रूर लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकें, बट अगर आप उसमें सहयोग देंगे तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा दोस्तों। क्योंकि सहयोग क्यों मांग रहे हैं हम आपसे सहयोग इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आपसे आपके साथ जुड़े हुए बंदों को प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं है कि भाई अकेले ही आप करेंगे, तो प्लीज़ इस देश को बड़ा बनाने के लिए या फिर
इसमें सहयोग लाने के लिए अपना सहयोग जरूर देते। सबसे बड़ी बात, जय महाकाल, और अपने लोगों का भला सोचे तभी हमारे देश का भला होगा, अदरवाइज कोई और हम पे राज कर जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।